उज्जैन जगोटी गांव में प्राचीन मां शारदा के मंदिर में जहां पर चैत्र की नवरात्रि में सुबह शाम मां शारदा की विशेष पूजा अर्चना और आरती की जाती है। उज्जैन के महितपुर तहसील में आने वाले गांव जगोटी में मां शारदा का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जहां पर चैत्र की नवरात्रि में मां शारदा की पूजा अर्चना और आरती की जाती है, पर गंभीर बीमारी के चलते मंदिर परिसर सूना और खाली रहता है। इस समय सिर्फ मंदिर के पुजारी ही मां शारदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और गंभीर महामारी कोरोना वायरस का अंत हो, विश्व में सबका भला हो, यह कामना कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भैया बताइए, ये जो माताजी का मंदिर है क्या नाम से जाना जाता है और कौन सी माताजी विराजमान है? ये सर शीतला माता का स्थान है, बहुत पुराना। अभी हमने सन 2014 में उसकी स्थापना की। मंदिर करीब कितना पुराना होगा? ये कम से कम 35 साल तो मुझे हो गए पूजा करते करते। अच्छा, और कौन सी माता जी हैं यहाँ पर? शीतला माता का मेन है, चैत्र दुर्गा का। अच्छा, जो नवरात्रि चल रही है चैत्र की नवरात्रि, तो किस प्रकार से माता रानी की पूजा अर्चना होती हैं और किस प्रकार से जो है देवी शक्ति की साधना आराधना की जाती है? साधना साहब बहुत पुरानी जो चलती आ रही है, उस हिसाब से पूजा करते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और आते हैं सब? जिसको भी जो अनजन पन बेड़े में रहते हैं वो आते हैं, क्या उनका काम पूर्ण माता रानी क्या अच्छा पूरी करती है। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ रहते हैं? यही बात। प्रकाश भैया, ये जो माता जी का मंदिर है क्या नाम से जाना जाता है और किस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना दर्शन करते हैं, क्या रहता है? शीतला माता जी का। शीतला माता का मंदिर है। करीब कितना पुराना मंदिर है ये? ये 35 साल ऊपर है, 40 साल में तो समझने लगा जैसे देखा। अच्छा, आप लोग जाते हैं पूजा वगैरह करते हैं? जाते हैं ना। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद? अच्छा लगता है। अच्छा। कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं नवरात्रि और ऐसे? नवरात्रि होता है, होते हैं पूजा अर्चना? अभी तो लॉकडाउन में नहीं हो रहा, अभी तो कुछ भी नहीं है, फिर आरती उतार देते हैं। अच्छा, मंदिर काफी पुराना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।